Hello, assalamu alaikum. We are discussing Understanding Business Ethics, third edition, from the author Peter Stanwyck and Sarah Stanwyck. And today is our chapter number 7, which is the title as Human Resource and Their Issues. Today's chapter number 7, title is Decision Making and Human Resource Issues. We will apply the ethical principles and issues on HR matters. HR, you know, human resource, how to manage the people, managing the people. So, ये एक बड़ी जबरदस्त सी course से startup हुआ है कि if you don't have integrity, you have nothing. यानी अगर दयानतदारी नहीं है तो फिर कुछ नहीं है. You can't buy it. ईमानदारी खरीदी नहीं जाती. You can have all the money in the world. But if you are not a moral and ethical person, you really have nothing at all. समझ आई बात? तो यहाँ पे हमारे chapters में के beginning में कुछ objectives हैं और this one might be examined के Kohlberg का moral development model है. ये काफी important है. उसके बाद कुछ ethical studies हैं, कुछ components हैं organizational justice के. But the most important part is the Kohlberg model. And the fifth one, importance of workplace diversity. Achha, workplace means the premises where the worker, the employee, your teamwork is doing work. So what ethical culture and ethical practicing must be there. Phir ek equity theory hai, insaaf ki baat ho rahi hai, masavi sulook ho sabke saath. To agar hum dekhte hain, startup karte hain, what the author said about. तो जी सबसे पहले तो हमने कहा था जैसे कि एथिकल डिसीजन मेकिंग कॉलबर्ग ने सिक्स स्टेजेस हमें इंट्रोड्यूस किए हैं ऑफ मोरल डेवलपमेंट जो कि वो कहता है कि थ्रू आउट द मैनेजर करियर वी मस्ट टीच अबाउट द राइट थिंग टू डू. ठीक है, राइट यहाँ पे एथिकल राइट है, ये वो करेक्ट वाला नहीं है, ये राइट थिंग टू डू, लेफ्ट एंड राइट नहीं है, ये राइट है हमारा एथिकल कंडक्ट के साथ. तो उसका पूरा नाम है लॉरेंस कॉलबर्ग और उसने हमें मोरल डेवलपमेंट के लिए किसी भी एक इंडिविजुअल की एक इखलाकी तरबियत की जाए तो उसके लिए उसने कुछ हमें कुछ डिसीजंस बताए हैं एथिकल और उसके स्टेजेस हैं. सबसे पहला स्टेज है ओबीडियंसी एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन. ठीक है जी, ओबीडियंसी तो ये तो हम बच्चों को अपने स्टूडेंट्स को सिखाते आ रहे हैं एक बात, और हमारी नज़र में भी सबसे अच्छा स्टूडेंट वो नहीं है जो बहुत अच्छे मार्क्स लेता हो, ग्रेड करता हो, बल्कि वो जो ओबीडियंट हो, बाअदब बामराद. ठीक है, बेअदब बदनसीब. तो हमें जो ओबीडियंसी है ये हाईली रिमार्केबल होती है, सबके लिए सबका पसंदीदा होता है जो कि एक लॉयल होता है, कमिटेड होता है, ओबीडियंट होता है. ठीक है, हो सकता है कोई मेंटली बहुत साउंड हो, ठीक है, बहुत स्मार्टली प्ले करे, इंटेलिजेंस लेवल बहुत हाई हो, अच्छी मेमोराइजेशन हो, मगर अगर उसके अंदर ओबीडियंसी नहीं है, उसके अंदर एक इखलाकी पहलू नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं, नथिंग एट ऑल, इससे बढ़कर कुछ नहीं है. तो पहला स्टेज खैर यहाँ कहते हैं कि इंडिविजुअल मेक मॉरल डिसीजन बेस्ड ऑन द कॉन्सिक्वेंसेज एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर एक्शन. हमें उनके एक्शन देखने पड़ेंगे कि वो फॉलो कर रहे हैं. इंडिविजुअल विल टेक डिसीजन ओबीडियंट टू अदर एंड दे विल नॉट बी पनिश्ड फॉर देयर एक्शन. हम ओबीडियंसी देखेंगे और हम पनिशमेंट तो तभी होगी ना जब आप ओबे नहीं करेंगे. तो बड़े ओबीडियंट होते हैं जो पेरेंट्स की भी बात मानते हैं, बड़े ओबीडियंट होते हैं जो कंट्री के लॉ को भी मानते हैं, जो बड़े ओबीडियंट होते हैं जो अपने एम्प्लॉय स्टाफ की बात भी मानते हैं, अपने सीनियर्स की, अपने सिबलिंग्स की. तो ये जो ओबीडियंसी है ये आपका एक मॉरल कैरेक्टर डेवलप करती है. ये तो पहला स्टेज हो गया. दूसरा स्टेज इंस्ट्रूमेंटल पर्पज एंड एक्सचेंज. अच्छा ये क्या है, individual interpret the rule to determine whether they are beneficial to themselves. If they are rule the self interest of the individual, the rules will be followed. देखें अगर हम कोई कानून बनाए, कोई रूल बनाए तो हमें ये बताना पड़ता है कि देखें आप क्या इसमें कितना फायदा है. ठीक है, इंडिविजुअल को बताना पड़ता है कि इससे आपके क्या बेनिफिट होंगे. तो इंडिविजुअल फौरी तौर पर उस एक्शन को एक्सचेंज करता है और फिर वो एक्सचेंज फेयर होना चाहिए. तो इंस्ट्रूमेंटल पर्पस एंड एक्सचेंज क्या कहता है, कभी भी कोई लॉ मेकिंग की जाए, डिसीजन मेकिंग की जाए, वो रूल्स वही फॉलो करेगा जो उसके सेल्फ इंटरेस्ट को नुकसान ना पहुंचाए. अच्छा जी, थर्ड इंटरपर्सनल अकॉर्ड कन्फॉर्मिटी म्यूचुअल एक्सपेक्टेशन. ठीक है, सबका मतलब बहामी आहंगी है, म्यूचुअल कंसेंसस है. तो यहाँ कहते हैं कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए,
डिसीजन मेकिंग के वक्त, और वो कहते हैं कि गुड बिहेवियर इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ फेवरेबल इंटरपर्सनल रिलेशन, यानी हमारे जो आपस के ताल्लुकात होंगे एम्प्लॉयर के एम्प्लॉई के साथ वो कैसे होने चाहिए, वो फेवरेबल होने चाहिए, वो कन्फॉर्मिटी, कन्फॉर्मिटी का मतलब जिसमें दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। स्टेज फोर, सोशल अकॉर्ड एंड सिस्टम मेंटेनेंस, इसमें कहते हैं कि जो एथिकल डिसीजन होने चाहिए वो ड्यूटीज के ऊपर बेस करते हों, जिसमें इंडिविजुअल फोकस करे कमिटमेंट के ऊपर। कैसा कमिटमेंट? एक ऐसा कमिटमेंट जो सोसाइटी को इम्प्रूव करे। सोसाइटी तो बहुत बात की बात है, जिस इदारे में काम करे उस इदारे को इम्प्रूव करे, अपने से मुंसलिक लोग जो हैं, वाबस्ता लोग जो हैं, उनकी बेटरमेंट के लिए काम करे, और उसके अलावा जो अपहोल्ड करे लॉज ऑफ द लैंड, जिस ज़मीन पर रहता है, जिस खत्ते में रहता है, जिस शहर में रहता है, जिस इदारे में रहता है, जिस घर में रहता है, जिस मजहब के दायरे में रहता है, उसके कानून को वो तोड़ेंगे, ब्रीच ना करें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ राइट फॉर द सोसाइटी, ये उसका परसेप्शन हो। ये नहीं कह के मुझे ये अच्छा लगता है मैं तो यही करूँगा, तो वो बागी है, बगावत है। तो आप ये देखिए जो सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल है, तो ये सोशल सिस्टम और मेंटेनेंस होनी चाहिए। ये नहीं कि आप कहें कि नहीं हम जो है वो दुनिया जाए भाड़ में, ठीक है हम तो अपने कानून बनाएंगे, ऐसा नहीं है। सेल्फ प्रोटेक्टेड, सेल्फ इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए। तो स्टेज फाइव कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाएं, इंडिविजुअल राइट्स। अब ये दो चीज़ें हैं, एक तो इंडिविजुअल राइट्स हैं। इंडिविजुअल राइट्स आपको पता है ना, बेसिक हमारे पास प्राइमरली थ्री नेचुरल राइट्स हैं, अगर लिखे हैं अपने पास, राइट टू लिव यानी जिंदगी गुजारने का, राइट टू लिबर्टी यानी आज़ादी, फ्रीडम टू एक्सप्रेस, फ्रीडम टू स्पीच, एंड राइट टू प्रॉपर्टी, टू पजेस द प्रॉपर्टी बाय योर लेबर। ये तीन बेसिक राइट, ये तो इंडिविजुअल राइट्स हैं ना, जो कि जॉन लॉक ने मैग्ना कार्टा में प्रेजेंट किए। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हर कोई अगर अपना जाती मफाद देखता रहे, सेल्फ इंटरेस्ट देखता रहे, तो कोई किसी की दूसरे के राइट्स को तो प्रोटेक्ट ही नहीं करेगा, है ना, रिस्पेक्ट ही नहीं करेगा। तो फिर एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा जिसमें ना आपको नुकसान हो, ना हम किसी से उसके दूसरे बुनियादी हकूक को छीन सकें। तो हमें एक सेट ऑफ वैल्यूज़ बनानी पड़ेंगी जिसमें हम इंडिविजुअल इस बात पे एग्री हो कि हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जिसमें हम सोसाइटी के साथ या सोसाइटी के किसी दूसरे के साथ हम नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ अपने स्टूडेंट को समझाने के लिए कि भाई आपका फ्लैट है, आपका घर है, आपने कहा मैं जो है वो फुल आवाज़ में सॉन्ग सुनूंगा मेरी मर्जी, लेकिन आपके पड़ोस में भी तो कुछ लोग हैं, हो सकता है स्टडी कर रहे हों या वो डिस्टर्ब हों, हेडेक हो उनको, कोई भी इशू हो सकता है, बट आपने तो अपने साथ उनको भी तंग करा। या लोग अक्सर कार के अंदर फुल आवाज़ में सॉन्ग लगा के सुनने, भाई आप सुनना चाहते हैं ना, आपके आसपास के लोग तो नहीं सुनना चाहते, तो आपने यू विल एंजॉय योर फ्रीडम बट नेवर बी इंक्रोच इन डिसरिस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ अदर एज वेल। ठीक है, एक जगह लिखा हुआ है कि भाई ये यहाँ स्मोकिंग नहीं करनी है, या नहीं भी लिखा है तो आप स्मोकिंग कर रहे हैं और आसपास के सारे लोगों को धुआं उड़ा के दे रहे हैं आप, और लोगों को इससे परेशानी हो रही है, मगर आप कह रहे हैं कि नहीं मेरा राइट है, मैं धुआं उड़ाऊंगा जहां दिल जाएगा धुआं उड़ाऊंगा मैं। तो हमें एक इंडिविजुअल राइट्स जो हैं, इंडिविजुअल राइट्स को आप कैरी करें, यू विल इंजॉय, बट यू शुड रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ द अदर, और सोशल बाउंड होना चाहिए। अब फाइनली एक बहुत ये कांड की थ्योरी से लिया गया है कि जो भी कानून बने, जो भी आप एथिकल प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, ये यूनिवर्सल हो। ये ना हो कि आज फॉलो करें कल ना करें। कानून ऐसा बनाया जाए जो कि आप हर बार और हर हाल में इसको पूरा कर सकें। तो इंडिविजुअल विल सपोर्ट दिस प्रिंसिपल इवन व्हेन दे वायलेट द लॉ। तो इंडिविजुअल जो है वो मूव अप द स्टेज इन मोरल डेवलपमेंट में कहते हैं कि इंडिविजुअल इज ड्रिवन मोर कंसिडरिंग अदर सोसाइटी एंड द सोसाइटी एज वेल। तो मोरल डेवलपमेंट कब इम्प्रूव होगी? जिससे हम लोगों को एक अच्छा किरदार बनाएंगे, अच्छे लोग डेवलप करेंगे। एक इंडिविजुअल के अंदर एक मोरल डेवलपमेंट के हमने छह स्टेजेस देखे, विच इज सजेस्टेड बाय द लॉरेंस कॉलबर्ग। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी इम्पॉर्टेंट है। अब एक आर्टिकल इसमें मेंशन है, रोल ऑफ इमोशन इन मोरल डिसीजन मेकिंग। इमोशन का क्या कोई एक किरदार है, जिसको हम इमोटिव प्रिंसिपल कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपने देखा होगा कि हम ताज़ियत करते हैं, हमारा दिल बहुत उदास है, हमें बहुत दुख हुआ, हमें बहुत अफसोस हुआ। अच्छा, जब कोई हमारे सामने किसी को मार रहा हो, पीट रहा हो, गाली निकाल रहा हो, तो हमें हमारा दिल क्या होता है, बैठे जाता है, हमारे दिल में ऐसा लगता है कि कोई तकलीफ सी महसूस कर रहे हैं हम। तो
इमोशंस, यानी जब भी डिसीजन में किसी तरह कोई गलत कर रहे हो तो कहा जाता है कि वो एक अंदर से एक गिल्ट होता है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्शियसनेस जिसे कहें, उसूल ज़मीर, तो ज़मीर की एक आवाज़ है जो हमें फील कराती है कि वी आर गिल्टी। तो क्या रीज़न ही सब कुछ है, क्या इमोशंस ही हैं, क्या इमोशंस जो हैं वो भी हमारे मोरल डिसीजन में, बिल्कुल ऐसे ही इमोशन मस्ट बी इंक्लूडेड इन द डिसीजन मेकिंग। इसी से तो दर्द आता है, इसी से तो हमदर्दी आती है। लेकिन फिर वही बात, यहाँ के जो लोग हैं तो वो तो बात ये है कि क्या कहते हैं कि हर धड़कते दिल को दिल नहीं कहते, हर धड़कते दिल को दिल नहीं कहते, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने के लिए। तो हम जिसको दिल समझ रहे हैं वो तो दिल ही नहीं है, वो तो पत्थर दिल है, ठीक है। वो अब हम चाह रहे हैं कि यहाँ से जो है वो इमोशंस फीलिंग्स, तो यहाँ तो सिखाया ही जा रहा है कि भाई बिजनेस तो होता ही रैशनल का नाम है, बिजनेस तो है ही प्रूडेंट का नाम है, बिजनेस तो है ही जो है वो जो है वो इमोशन। लेकिन जितनी बिजनेस में मार्केटिंग है, एडवर्टाइजमेंट है, कंटेंट है, वो सब क्या है, वो किस पे सेल हो रहा है, वो इमोशंस पे सेल हो रहा है। तो ये जो मोरालिटी है इसमें इमोशंस का भी बहुत गहरा जो है वो कहता है व्हीलर एंड फिलिमर। ये कहते हैं कि मोरल लक को उसने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया, एक तो रिजल्टेंट लक, सर्कमस्टेंशियल लक एंड कॉन्स्टिट्यूटिव लक। तो रिजल्टेंट लक को वो एग्जांपल देता है कि व्हेन टू पीपल फायर गन्स एट वन अनदर एंड वन शूटर किल द अदर पर्सन बट वाज नॉट हिट बाय द पर्सन। अब एक शख्स गुस्से में आया, उसने गन उठाई और दोनों एक दूसरे को मारने लगे, लेकिन उसने उसको मार ना सका। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि भाई वो किस्मत ने बचाया। कैसी लक है, मोरल लक है, तो किस्मत ने तो बचा लिया, मगर वो शख्स तो मार नहीं चाहता था ना उसको। ये तो रिजल्टेंट लक है कि रिजल्ट उसका फेवर में हो गया कि उसकी उसको बचा लिया गया। अच्छा जी, एक और है सर्कमस्टेंशियल लक। ये क्या होती है, व्हेन सर्टेन कंडीशंस और सर्कमस्टेंसेस अकर दैट अलाउ द इंडिविजुअल टू डेमोंस्ट्रेट हिज और मोरल वैल्यूज। एन एग्जांपल इज दैट वन पर्सन कुड सेव द लाइफ ऑफ अनदर पर्सन बिकॉज ही और शी हैड द मींस एंड अपॉर्चुनिटी टू सेव दैट लाइफ। कि एक शख्स गुजर रहा था किसी एक ऐसी जगह से जहाँ लोग मुश्किल में थे, हादसा हुआ हुआ था, एक साहब गाड़ी का गाड़ी से गुजर रहे थे और रोड पे एक मोटर बाइक का एक्सीडेंट हो गया और वो फोन में लथपथ बैठा है, वो हाथ दे रहा है और आप गाड़ी में आते आते आपने हाथ ने कह रहे यार देर हो रही है, लेट हो जाऊंगा ऑफिस के लिए, फिर लेट लग जाएगी, छोड़ो गाड़ी की लीटर स्पीड बढ़ाई, तेजी से निकल गया। तो ये आपको एक लक थी ना, ईमानदारी, नेकी और अपना एथिकल करेक्टर डेमोन्स्ट्रेट करने का। तो ये एक सिचुएशन है सर्कमस्टेंशियल लक, pulling someone from the track of survey where another person may have the exact same moral belief but never have an opportunity to demonstrate it to the others. उसी के गिर्द एक और गाड़ी थी जिसने दाते दाते अपने आप को रोका और रोक के जो है वो सबसे पहले उसने उसकी मदद की, उसको हॉस्पिटल लेके गया, उसको मरहम पट्टी की। तो ये दोनों के पास सेम सिचुएशन आई, उसके पास एक सर्कमस्टेंशियल सिचुएशन थी। तो ये मोरल लक मैं समझा रहा हूँ आपको, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। व्हीलर ने जो ये तीनों सिचुएशन क्रिएट किए विद एग्जाम्पल, आई लव टू एक्सप्लेन इट। और ऐसा यूजली होता है कि हमारे सामने ऐसे मौके आते हैं लेकिन कुछ मदद करते हैं और कुछ मदद नहीं करते। तो ये हमारा बिलीज है, यहाँ हमें हमारी मोरल कैरेक्टर डेवलपमेंट नज़र आती है, यहाँ हमारे इमोशन नज़र आते हैं कि हम कितने पत्थर दिल हैं और हम कितने पत्थर दिल हैं। यहाँ तो हर कोई वही बात कहता है कि सबसे ऊँचा मेरा मकान है ना, तो सब यही चाह रहे हैं कि सबसे आगे मैं निकल जाऊँ, इतना आगे इतना आगे इतना आगे कि सामने दीवार आ जाए और इतना आगे के ऊपर आसमान ख़त्म हो जाए। तो ये फिर तो नीचे के लोग नज़र ही ना आने वाले ना हमें। तो एक और है एग्जांपल हमारे पास, थर्ड टाइप ऑफ लक है, वो है कॉन्स्टिट्यूटिव लक। इट इज़ बेस्ड ऑन बैकग्राउंड, ठीक है, फैमिली सपोर्ट सिस्टम, लाइफ एक्सपीरियंस, जिंदगी की तलखियों के साथ, हैज़ बिफोर द मोरल डिसीजन इज मेड। अच्छा जी, इन्फ्लुएंस फ्रॉम द पेरेंट्स, इन्फ्लुएंस फ्रॉम योर टीचर, इन्फ्लुएंस फ्रॉम योर फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंस फ्रॉम द मेम्बर ऑफ इमीजिएट फैमिली, यानी कजन, भाई, ताया, चाचा, दादा, पोपो, कैन हेल्प शेप द मोरल वैल्यू सिस्टम ऑफ डिसीजन मेकर। कि कल को आपके पास एक आता ही है सिचुएशन, तो आप अपने आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपका फैमिली सपोर्ट सिस्टम किस तरह का है, आपकी ज़िंदगी के तजर्बात किस तरह के हैं, कि आप क्या करते हैं, आप ज़कात, सदका, फितरा किस तरह से देना पसंद करते हैं, आप लोगों को किस तरह से ट्रीट करते हैं, आप बैगर के साथ कैसे मदद करते हैं, आप अपनी इनकम का कितना हिस्सा गरीबों में बांटते हैं,
आपके अंदर कितना दर्द है दूसरों के लिए। इसी तरह से जब आप किसी एक इदारे में जाते हैं तो वहाँ आपको डंडी मारने की आदत है, आपके घर में आधा खानदान जो है वो सरकारी नौकरियों पे लगे हुए जो है वो पर्ची से गए हुए, या खाला मामा फूफा चाचा चाचा एक गया उसने पूरे अपने घर वालों को अपने ससुराल वालों को जो है वो एक इदारे में भर लिया, भर्ती करा लिया, तो वो सबका एक ही ट्रेंड हुआ कि भाई काम तो करना ही नहीं है, खाली हाजिरी लगा के तनख्वाहें लेती रहनी है और उसी सेम टाइम पे जो है वो कहीं दूसरी जगह कोई कारोबार करना है या एक और जॉब कर लेनी है। तो अगर यही एथिकल वैल्यूज हैं तो सब वही करते चले जाएंगे, लेकिन अगर कोई वाकई एक ईमानदारी के साथ और कमाता रहे, लेकिन अगर खानदान में एक कंपटीशन चल रहा होगा ज़्यादा माल बनाने का, दौलत बनाने का, जो रातों रात अमीर निकलते चले जा रहे हैं, तो फिर आप देखते हैं कि भाई हम भी उस सब लोगों ने इस तरह के कारोबार किए, अनएथिकल करें और आगे निकल गए तो हमें भी आगे जाना है। तो ये जो एक मोरालिटी है, आपने देखा तीन तरह से उन्होंने मोरल लॉ को डिफाइन किया। एक तो मैं इसको रिपीट करता हूँ कि एक तो बताया कि भाई रिजल्टेंट लक है, कि नतीजतन हमसे कोई अच्छा काम एक हो गया, हम चाहते नहीं थे मगर एक अच्छा काम हो गया। दूसरा एक सर्कमस्टेंशियल है कि हमारे सामने एक सिचुएशन आई और यू हैव अ चॉइस टू डू सो, और वहाँ आपके बिलीफ सिस्टम आपको बताएंगे। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कॉन्स्टिट्यूटिव लक, जो मोरल लक कैसे डेवलप हो रही है आपके बेस करते हैं फैमिली बैकग्राउंड। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था जो मैंने आपको पूरे एक्सप्लेन किया। अब कुछ यहाँ पे हम पॉइंट देख रहे हैं जो कि अनएथिकल बिहेवियर हम नज़र आते हैं हमें एचआर के अंदर सबसे ज़्यादा हमें नज़र आती हैं प्रैक्टिसिंग, वो हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में सबसे पहले तो रिक्रूटमेंट और हायरिंग ही आपको पता है उसमें बायसेज होती है, फूफो का लड़का है, खाला का लड़का है, ससुराल का है, बहनोई है, दामाद है, चचा है, भाई है, अब्बा ने बेटे को, ठीक है। इस तरह से ये क्या है, ये इसमें कोई मेरिटोक्रेसी है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ खून, रिश्ता, नाते, ताल्लुक, वाबस्तगी। तो ये तो जो रिक्रूटमेंट है पहला तो यही। अच्छा, अब दूसरी बात भाई, बड़े बड़े इदारे तो ऐसे चल रहे होते हैं कि वहाँ पे कोई भी इंफ्लुएंसिंग पर्सन गुजरा, उनके बेटे ने कहा आपका बेटा आप कल से भेज देना, क्यों वेला फिर रहा है, पढ़ लिया उसने, हम लगा देंगे, और फिर वो लगा देते हैं अपनी कंपनी में 4 लाख रुपये, 5 लाख रुपये, 3 लाख रुपये, 6 लाख रुपये माना देते चले जा रहे हैं। अब 6-8 महीने बाद उसको तो कुछ आता ही नहीं था, उसको तो कुछ आता ही नहीं था, फिर कंपनी निकाल ली होती है, लेकिन कोई बात नहीं, 6 महीने का लॉस हो गया, कोई बात नहीं, या वो खुद ही मना कर देगा नहीं भाई मैं काम ही नहीं कर सकता, मुझे आपने गलत रख लिया, तो वो फिर प्योर ढूंढते फिर रहे होंगे। तो यहाँ पे मेरिटोक्रेसी तो एक एलिमेंट आ गया, एक अनएथिकल बिहेवियर आ गया। उसके अलावा मैनेजर जब वो परफॉर्मेंस अप्रेजल करता है तो फिर वही अपने करीबी, जिसने ज़्यादा मक्खन लगाया हो, जिसने ज़्यादा बटरिंग करी हो, जो अपने चाहते हो, जो सबसे अपने करीबी हो, उनके प्रमोशन हो रहे हैं, उनके अप्रेजल लग रहे हैं 10-10%, 20-20%, और वही जो फटे पुराने लोग हैं और जिनका जिन्होंने आपके साथ आपकी बात को ना कह दिया, तो आपने अपने पर्सनल ग्रीवेंस की बेसिस के ऊपर उनको जो है वो रिवैल्यू कर दिया। तो ये कितनी ट्रांसपेरेंसी नहीं है ना, देख रहे हैं आप। यहाँ पे कहते हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एथिक्स हैज आइडेंटिफाइड 3 सिंपल एथिकल टेस्ट, उन्होंने 3 एथिकल टेस्ट किए हैं तो बिजनेस डिसीजन के अंदर। मैं अभी एक आपको एक छोटा सा जोक सुनाता हूँ, स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है। वो एक जगह इम्तिहान लिया गया कि भाई वो हम जो है वो मोबाइल फ़ोन जो है वो बहुत सारे मोबाइल फ़ोन हमने रखे और वो एक जगह पे गए ऑफिस में, वहाँ जाके उन्होंने तकरीबन जो है वो 15 मोबाइल फ़ोन छोड़ दिए और वो चले गए भूल के जगह जगह। उसके बाद उन्होंने ये टेस्ट किया कि 15 में से कितने मोबाइल रिटर्न हो जाते हैं, तो 15 में से 10 मोबाइल वापस हो गए, 5 मोबाइल वापस नहीं आए। तो ये टेस्ट हुआ कि भाई 15 में से 10 आ गए हैं, तो इसका मतलब है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो काफ़ी जो है वो बड़े अच्छे लोग मौजूद हैं। फिर एक और ऑर्गेनाइजेशन में गए और वहाँ पे जो है वो मोबाइल फ़ोन जो है 15 उन्होंने रखे अगेन, और वहाँ पे जो है वो 15 में से जो है वो पता लगा कि सिर्फ 5 वापस आए, 10 वापस नहीं आए। तो पता लगा यहाँ की जो मॉरल वैल्यूज हैं लोगों की वो ज़रा कुछ सही नहीं है। फिर तीसरी ऑर्गेनाइजेशन में गए, अच्छा ये लोग आई थी ना, ये मल्टीनेशनल कंपनी थी, एक मल्टाई की एक सेमी थी, अब आई है हमारी लोकल कंपनी, ठीक है। तो जब वहाँ गए तो वहाँ 15 मोबाइल रखे, 15 में से 1 भी वापस नहीं आए, इंतज़ार ही करते रह गए। वो पता लगा भाई ये जो लोकल कंपनियाँ तो भाई जो है वो बिल्कुल भी एक भी जो है वो
अब एक और कदम हो, ठीक है, एक और आखिरी इदारा नाम लेंगे, सरकारी भी हो सकता है, नीम सरकारी भी हो सकता है, सरकारी इदारा भी हो सकता है। तो अब वो जो है वो वहाँ गए, फिर वो 15 मोबाइल रख के जब वो वापस आए तो 15 के बजाय 20 मोबाइल गायब थे। वो काउंट करने लगे, यार हम तो 15 रखने गए थे, 20 कैसे गायब हो गए? तो अमल ने रखने वालों की जेब से भी निकाल ली। तो ये तो फिर बहुत ही कोई हाई लेवल ऑफ अनएथिकल बिहेवियर है। तो ये तो मैंने एक आपको एक दो का पार्ट सुनाया। तो यहाँ पे आप देखें, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एथिक्स कहते हैं कि तीन तरह से इम्तिहान लिया जाता है, ट्रांसपेरेंसी और सोशल इफेक्ट, इम्पैक्ट और फेयरनेस। सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में डिसीजन ये देखे जाते हैं कि जो कुछ आप डिसीजन ले रहे हैं कि वो ओपन है, ये तो नहीं कि बंद कमरे में मीटिंग्स हो रही हैं, पता ही नहीं बाकी लोगों को कि मोर कम्फर्टेबल द पर्सन इज दैट ही और शी हैज बीन मेड द राइट डिसीजन। ट्रांसपेरेंट है या नहीं है, क्लियर है, क्लैरिटी सबके लिए ओपन अप है। दूसरा इफेक्ट, इफेक्ट रेफर टू डिटरमाइन व्हेन द डिसीजन इफेक्ट, कि ये जो हम फैसला साजी कर रहे हैं इसका असर किस पे पड़ेगा, ठीक है, इसका असर किस पे पड़ेगा, तो कम से कम लोगों पे इसके असर पड़े। और फाइनली फेयरनेस, फेयरनेस क्या है, डिसीजन वुड बी कंसिडर्ड फेयर बाय दोज इफेक्टेड बाय इट, इट शुड बी फेयर, डिसीजन इज जस्ट टू ऑल, सबके लिए इंसाफ बराबरी जो है वो होनी चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो ये तीन बेसिक प्रिंसिपल्स बताए हैं इन्होंने यहाँ पे। और उसमें देखिए तो उन्होंने एलिमेंट भी डिफाइन करे हैं, एक डिस्क्रिशनरी एक्शन और एक नॉन डिस्क्रिशनरी एक्शन। अच्छा, डिस्क्रिशनरी एक्शन क्या है, वो एक्शन है वन कैन कॉम्प्रोमाइज विद इन एस्टैब्लिश्ड बाउंड्रीज, कि अपनी इस इदारे की हदूद में रहते हुए हमने कहा। नॉन डिस्क्रिशनरी एक्शन क्या है, वन कैन नॉट चेंज, देर इज ओनली वन एक्सेप्टेबल वे ऑफ एक्टिंग, और जैसे कि लॉज, रेगुलेशन, पब्लिक एम्प्लॉय सेफ्टी, ट्रुथफुलनेस ऑफ रिकॉर्ड एंड स्टेटमेंट जो हमें पब्लिक करने हैं, वो सब आ जाते हैं। तो अब हम कभी भी कंपनीज को देखते हैं तो हम ये सवाल उठाते हैं सेवन जो है कि इज द एक्शन इज लीगल, जो हम फैसला कर रहे हैं क्या ये इलीगल तो नहीं, डज इट कम्प्लाई विद आर वैल्यूज, अच्छा क्या ये हमारी जो मॉरल वैल्यूज हैं उसके साथ हमें नजर आ रहे हैं। तीसरी बात, इफ यू डू इट यू विल फीडबैक, इफ यू डू इट विल यू फीडबैक, अगर आप ऐसा करते हो तो क्या आपका जमीन क्या कहता है, आपके इमोशंस क्या कहते हैं, हाउ विल इट लुक इन द न्यूज़पेपर, कि जब ये पब्लिक होगा तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, आवाम पे इसका क्या असर पड़ेगा। इफ यू नो हाउ इट्स रॉन्ग डोंट डू इट, आपको पता लग रहा है कि गलत है तो ना करना है आपने। इफ़ यू आर नॉट श्योर आस्क, अगर आपको डाउट हो रहा है कि कहीं इससे किसी का नुकसान तो नहीं हो जाएगा, तो फिर आप कोई कंसेंसस के कोई एडवाइजर से पूछ लें, कीपिंग आस्क अंटिल यू गेट एन आंसर, पूछते चले जाएं कि किसी को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा आपके इस फैसले से। तो ये हमने देखा हमने, तो यहाँ पे एक और आर्टिकल है, इसमें लिंडा ट्रेवेनो ने एक इंडिविजुअल और सिचुएशनल वेरिएबल बताए हैं, यानी इंटरैक्शनिस्ट मॉडल ऑफ एथिकल डिसीजन मेकिंग इन ऑर्गेनाइजेशन। तो जब हम लोगों से इंटरैक्ट करते हैं तो डिसीजन मेकिंग में क्या कुछ होता है, एक तो ईगो स्ट्रेंथ लिखा हुआ है यहाँ पे, सेल्फ रेगुलेशन बाय इंडिविजुअल, कि हर कोई अपनी ईगो ईगो ड्रिवन होते हैं, पीपल आर ईगो ड्रिवन, तो उनकी ईगो जो है वो उनको रेगुलेट कर रही होती है, मेरी मर्जी, मेरा मफाद, मेरा फ़ायदा, मेरी इज्जत, है ना, मेरी पोजीशन, मेरा नाम, मेरे लोग। तो ये जो मी एटीट्यूड है, सेल्फ ड्रिवन है, सेल्फ सेंटर्ड है, तो ये बहुत सारे अनएथिकल जो है वो बिहेवियर का सबब भी बनते हैं और डिसीजन मेकिंग भी अनबायस हो जाती है। अब एक और है, फील डिपेंडेंसी, एबिलिटी ऑफ यूजिंग एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन टू हेल्प रिजॉल्व एन इमीडिएट सिचुएशन, और फील के ऊपर डिपेंडेंसी। अच्छा, लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल, यानी अब आपका जो मैनेजमेंट है या डिसीजन उसमें कंट्रोल और एक्टिविटीज के ऊपर कितना है, लूज है कि टाइट है, इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, तो ये भी एक इसमें सिचुएशंस हैं। तो हमने यहाँ पे देखे जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की बात हो रही है, वर्क की बात हो रही है, तो अभी हम बात करते हैं एथिकल डिसीजन मेकिंग एंड मॉरल इंटेंसिटी, ये क्या है।
मोरल इंटेंसिटी और एथिकल डिसीजन। अब मोरल इंटेंसिटी, थॉमस जोन्स कह रहे हैं कि मोरल इंटेंसिटी रेफर टू द एक्सटेंट इन विच द सिवियरिटी ऑफ द मोरल इशू। जब मोरल इशू जो है वो पानी सर से गुजर जाए, यानी जब हम कहें कि बहुत नुकसान हो रहा है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड हो, जिसके सोशल कंसेंसस प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्ट, ये अब हमें कैसे पता लगेगा कि भाई पानी सर से गुजर गया है। उसकी पहला तो है मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, हम देखेंगे कि जो उसके नतीजे हैं वो कितने बुरे हो सकते हैं। सोशल कंसेंसस, हम ये देखेंगे कि जो लोकल सोशल वैल्यूज हैं उस पर इसके क्या असर होगा। अब आप ना सिर्फ पब्लिक पे इसके क्या इम्पैक्ट आएंगे, और तीसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ द इफेक्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इफेक्ट जो है ये क्या है, ये एक्ट विल टेक प्लेस एंड द प्रोबेबिलिटी इफ द एक्ट डज टेक प्लेस हार्म और बेनिफिट विल इफेक्ट द स्टेक होल्डर। व्हाट डज इट मीन, इफ गन इज सोल्ड टू क्रिमिनल द प्रोबेबिलिटी इज दैट हार्म वुड बी कम टू वेरियस मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। देख रहे हैं आप, अब आप कहें कि हम तो गन बेच रहे हैं, अच्छा गन हम बेच रहे हैं किसको बेच, हम तो सेफ्टी के लिए बेच रहे हैं, हम तो गन ही क्रिमिनल को बेच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि इसका इफेक्ट बुरा ही होगा। लेकिन अगर गन हम अगर आर्म फोर्सेस के लिए बना रहे हैं, गन हम सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए बना रहे हैं, गन हम सेफ्टी प्रोवाइडर्स के लिए बना रहे हैं, हम गार्ड एजेंसीज जो हैं उनको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ प्रोबेबिलिटी का इफेक्ट कम है। लेकिन आप सोल ही क्रिमिनल को कर रहे हैं तो फिर तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि इमोरलिटी होगी। इस तरह से टेम्पोरल इमीजिएसी, ठीक है, टेम्पोरल इमीजिएसी ये है कि टाइम विल टेक प्लेस बिटवीन व्हेन द डिसीजन इज बीइंग मेड एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शन। तो कभी कभार ये देखना पड़ता है कि इसका वक्ती असर होगा, ठीक है, या फिर आगे। जिसमें एग्जाम्पल दीजिए, रिडक्शन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट विल हैव अ ग्रेटर लेवल ऑफ इमरजेंसी टू करंट रिटायरर देन दोज वर्कर इन देयर फोर्ट्राइज, ठीक है। तो रिटायरमेंट अगर कम कर दें या रिटायरमेंट को बढ़ा दें तो इसका फौरी असर हमें लोगों पे पड़ेगा। अब प्रॉक्सिमिटी की बात है, प्रॉक्सिमिटी क्लोजनेस को कहते हैं, नियरनेस को कहते हैं, कि इस फैसले से कई भी लोग हैं उनको क्या नुकसान होगा। जैसे एग्जाम्पल दीजिए कि मैनेजर वुड हैव अ ग्रेट फीलिंग ऑफ प्रॉक्सिमिटी मेकिंग अ डिसीजन टू ले ऑफ वर्कर्स इन अ प्लांट, और वो चाह रहे हैं कि वर्कर्स को फारिग कर दें, कम कर दें, इतने सारे वर्कर्स रखे हैं उसकी तादाद कम कर दें, और हर होम टाउन देन इन द प्लान इन अनदर कंट्री, और दूसरा एक है कि वो यही प्लान जो है वो किसी और कंट्री में लगाए। तो अब ऐसा करने में कंपनी का तो बेनिफिट है कि दूसरी जगह प्लान जा रहा है, लेकिन यहाँ के जो लोकल्स हैं उनका नुकसान होगा कि हम कंपनी प्लान यहाँ से उठा के किसी दूसरे कंट्री में लगा रहे हैं, तो यहाँ के लोगों को तो ऐसे डिसीजन में नुकसान है, लेकिन बाहर के लोगों को उससे फ़ायदा है और कंपनी को भी फ़ायदा है। तो कभी कभार डिसीजन मेकिंग करते वक्त हमें ये देखना पड़ता है कि यहाँ के मुकामी लोकल करीबी जो लोग हैं, नियरनेस क्लोजनेस जो है उनको तो नहीं नुकसान होगा। तो फाइनली कॉन्सेंट्रेशन ऑन इफेक्ट, ये देखना पड़ता है कि हमें देखना पड़ेगा कितने नंबर हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इफेक्ट वुड अकर व्हेन अ फर्म चेंजेस वारंटी पॉलिसी अंडर विच 10 पीपल वुड लूज अ क्लेम ऑफ 10,000 कंपेयर विद अ चेंज इन द पॉलिसी विच 10,000 पीपल वुड लूज देयर क्लेम ऑफ $10 ईच। तो ये देखना पड़ेगा कि हमें जो क्लेम है वो कितना हमें नुकसान। अब आखिरी बात, द रोल ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस इन एथिकल डिसीजन मेकिंग। तो ये आपने देखा होगा जो है वो पीटर पार्कर, विद ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, कि बेन पार्कर जो है वो पीटर पार्कर के अंकल कह रहे थे उसको, स्पाइडरमैन को, कि विद ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट पावर, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। लॉर्ड एक्टोन कहते हैं कि पावर टेंड टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। एक मुकम्मल तौर पे किसी के पास पावर आ जाए तो फिर तो पावर जो है पावर ही तो करप्ट कर देती है, पावर टेंड टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। तो इसीलिए पावर को मैनेज किया जाता है, किसी एक के हाथों में नहीं दी जाती। दूसरी बात, जो इन्फ्लुएंस है वो देखना पड़ता, ठीक है। अब एक निकोलो मैकियावेली को हमने देखा है हिस्ट्री ऑफ आइडियाज में, और फ्लोरेंस के अंदर पैदा हुए, इटली के अंदर, इटालियन रेनेसांस के अंदर जमाना रहा है उनका पीरियड,
1532 में उसने एक बड़ी मशहूर जमाना किताब मंदिर यहाँ पे लेकर आया जिसका नाम है द प्रिंस. ये प्रिंस बिस्कुट नहीं, द प्रिंस है. और ही बिगिन द राइटिंग 1513 में शुरू की थी और 1532 में कंप्लीट किए. तो लॉन्ग टाइम टू राइट दैट पावर. तो वो कहता है कि हाउ प्रिंस वॉज एबल टू ऑब्टेन एंड मेंटेन हिज पावर. तो वो कहता है कि जो अल्टीमेट प्रिंस हो, जो प्रिंस मुराद यानी जो एक ऑटोक्रेट है, लीडर है, तो वो दोनों चीज़ों को कैलकुलेट करे कि पावर में उसने कितनी लिमिट होनी चाहिए. वैल्यू ऑफ द लीडर इज बेस्ड ऑन द अल्टीमेट सक्सेस ऑफ द लीडर. तो वो लीडर के लिए वो कहता है कि इट इज बेटर टू बी फेयर देन टू बी लव. कभी कभार उसूलों को डिमेंड कराने के लिए सख्त भी होना पड़ता है. इट इज बेटर टू बी फेयर देन टू बी लव. पसंद करने के बजाय लोग उससे डरें. तो कभी डरा के धमका के सख्त एक्शन के साथ एग्जीक्यूट करनी पड़ती है बहुत सही एथिकल वैल्यूज को भी. तो जब भी वो कहता है कि सम टाइम बिकम अ फॉक्स एंड सम टाइम बिकम अ लॉइन. लॉइन इसलिए बनो कि बोल्ड एंड करेज हो, फॉक्स इसलिए बनो कि तुम भी मक्कारी चलाकी को समझ सको. तो ये जो मैच्योरी है, जो मैच्योरियंस का मतलब होता है अ वन हु यूजेस व्हाटएवर मीन पॉसिबल टू ऑब्टेन एंड मेंटेन पावर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो आज जो है वो मैच्योरियन जो है उसको कहते हैं कि जो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और कुचलते हुए आगे बढ़ जाते हैं अपने मफादात को पूरा करने के लिए. लेकिन यहाँ पे हमें ये सिखाया समझाया जा रहा है कि हमें पावर को क्या करना है, बैलेंस करना है. ठीक है, हमें उसको बैलेंस करना है. तो हमने देखा ह्यूमन रिसोर्स इश्यूज में हमने कितने सारे मसाइल्स को हमने सामने रखा. सो वी विल टेक अ ब्रेक और हमारे पास सेशन एंड होता है, फिर हम आफ्टर द ब्रेक आगे से कंटिन्यू करते हैं. ठीक है,